ये दोस्तों हम बात करने वाले ऐसे स्ट्रेटजी के बारे में जो हर किसी के अंदर होना चाहिए। नंबर वन है एटीट्यूड। यह बहुत ही जबरदस्त है। हर किसी का अलग अलग एटीट्यूड होता है। आप चीजों को किस नजर से देखते हो वो आप पे डिपेंड करता है। सेकेंड नंबर है पैसा। यह जिस इंसान के पास होता है उसकी बहुत इज्जत होती है, बट जिसके पास नहीं होता है उसकी इज्जत 0% होती है। थर्ड नंबर है नॉलेज। आपके पास अगर नॉलेज है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, पर वहीं अगर कम है तो आपको इसे डेफिनेटली बढ़ाना चाहिए। फोर्थ नंबर है कैरेक्टर। इस दुनिया में हर किसी का अलग अलग रोल्स है। आप कौन से कैरेक्टर को निभा रहे हो आप पे डिपेंड करता है। तो मेरे दोस्त कभी भी कैरेक्टर को चेंज मत करना, वरना लोग कैरेक्टरलेस बोलेंगे। एंड फिफ्थ नंबर है इमोशंस। यह हर किसी के अंदर होता है, बट किसी के अंदर ज़्यादा होता है तो किसी के अंदर कम होता है। एंड लास्ट नंबर है ईगो। यह तो हर किसी के अंदर डेफिनेटली होता ही है, बट इसका उपयोग सही तरीके से कम ही लोग करते हैं। 95% ऐसे लोग हैं जो इसका उपयोग गलत तरीके से करते हैं, और यही कारण है जिसके वजह से उनके रिश्तों में गड़बड़ी आती है। तो मेरा दोस्त कोई भी काम करना अपने ईगो को साइड में करके करना, क्योंकि रिश्तों के खराब होने के कारण यही होता है, और रिश्तों में ईगो का बहुत बड़ा रोल है।